Assalamualaikum and welcome to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रिंग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ब्रेड रिंग बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम मैदा लिया है। इसके अंदर मैं एक चम्मच ईस्ट डालूंगी और एक इसमें थोड़ी सी शक्कर डालूंगी, एक चम्मच शक्कर। और ये मेरे पास एक अंडा है वो मैं डालूंगी। और ये मैंने लुक वार्म मिल्क ले लिया है, हल्का हल्का गर्म ही है, इससे मैं अभी धीरे धीरे इसे गूंदती जाऊंगी। ये एक कप दूध पूरा मुझे इसमें लग गया है। और अभी ये मेरे पास लुक वार्म वाटर है और जितना मुझे ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं इसमें डाल के आराम से इसको और अच्छे से इसे सॉफ्ट डो बना लूँगी इसका। ये मेरे पास एक चम्मच बटर है वो भी मैं इसमें मिला लूँगी और अच्छे से इसे गूंद लूँगी। देखिए इसे मैंने अच्छे से सॉफ्ट डो बना लिया है। अब हम इसे एक डेढ़ घंटे के लिए छोड़ देंगे, लगभग आधा या एक घंटा तो छोड़ना ही पड़ेगा इसे डबल होने के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। हाँ, मेरा भाई तो कैंसर का मरीज है। करने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। मेरे पास एक ये शिमला मिर्च है, एक बड़ी शिमला मिर्च मैंने ले ली है। इसे मैं हल्का सा पहले सौटे करूँगी। तो ये हमारे शिमला मिर्च अभी सौटे हुए, मैं इसे अभी एक अच्छा सा मैंने लार्ज कैप ओनियन लिया ना और थोड़े से मैंने एक मुट्ठी कॉर्न लिया है, इसे भी मैं अच्छे से। ये मेरे पास एक कटोरी बॉयल्ड चिकन है, इसे मैंने टुकड़ों में काट लिया था वो भी मैं इसमें डाला। बॉयल करते समय मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला। एक चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हरा धनिया, धनिया पाउडर डालूंगी मैं, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, हल्की सी लाल मिर्च, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसे 5 मिनट तक कुक होने दूंगी, ढक्की आंच कर देती हूँ। थोड़ा 5 मिनट होते हैं तो मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा चिकन हमारा, फिर हम इसे 5 मिनट तक थोड़ा। मसाले अच्छे से हमारे एक दूसरे में मिल चुके हैं तो मैं इसमें एक चम्मच मेयोनीज डालूंगी थोड़ा क्रीमी टेक्सचर के लिए। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई, अब हम आते हैं अपने डोव की तरफ। देखिए डोव भी हमारा अच्छे से राइज हो गया, इसे मैंने आधा एक घंटे के लिए छोड़ दिया। अब मैं इसे इसकी पूरी एयर निकाल के इसकी एयर अच्छे से निकालेंगे हम। सब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इस पर और इसे अच्छे से रोल करेंगे इस पर। और एक बड़ा सा पेड़ा काटेंगे इसमें, इसे हमें एक बड़ी सी रोटी बनानी है। एक बड़ा सा पेड़ा काटेंगे और एक हम इसे रोटी बनाएंगे बड़ी सी। हमने मैदा डस्ट कर लिया और एक इसमें से एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। ये रोटी मैंने अच्छे से बेल ली है बड़ी सी, अब मैं अपने पैन में बटर वॉश कर लूँगी, इसको बटर लगा लूँगी अच्छे से। मैंने ओवन को प्री हीट करके रख दिया है 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। अभी हम इसे कट लगाएंगे आज यहाँ से। और फिर हमने बेकिंग ट्रे पे एक एक उठाते जाएंगे, कट कर देंगे एक पर एक ऐसे अरेंज करते जाएंगे। तो मैंने अपने सारे ट्रायंगल्स लगा लिए हैं और इसमें अभी मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें चीज लगाती जाऊंगी। चीज स्लाइस है मेरे पास, उसे मैं खोलूंगी फटाफट। अच्छे से अरेंज कर लिया है और अभी इसकी स्टफिंग्स हम लगाने जा रहे हैं। अच्छे से भर भर के स्टफिंग्स लगाएंगे। अगर चीज मेरे पास थे तो मैं डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, आप मत डालो, अगर नहीं हो तो मत डालो। वैसे भी हमने चीज स्लाइस नीचे रखे और ये हमारी भी स्टफिंग अच्छे से मैंने इसको फिल कर लिया। अब मैं इसको एक एक उठाते जाऊंगी और इसके अंदर इसको ऐसे कवर करती जाऊंगी। देखिए रिंग्स रेडी है, मैं इस पर बटर वॉश कर देती हूँ अच्छे से। अगर आपके पास अंडा है तो अगर आप एग वॉश भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बटर वॉश कर रही हूँ। थोड़ी सी कर लूँगी स्प्रिंकल करेंगे और काली तिल,
तो तैयार है हमारी ये ब्रेड रिंग विद चिकन स्टफिंग के साथ। मैं आपको अभी काटूंगी। ट्राई कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और कमेंट्स कीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।